ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि CIFS CAPF वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो चार लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो चार युवा CRPF पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है, जो पांचवा युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे और बंगाल की जनता को इसके लिए ये जो उन्होंने भाषण किया था इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगे। और साथ में मैं बंगाल की जनता को विनंती भी करना चाहता हूँ, ये एक घटना छोड़कर बाय एंड लार्ज बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी 5 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं बोली। परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है वो बंगाल में एक नई शुरुआत, पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है, बंगाल इससे बाहर आ रहा है। बंगाल की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है बाकी के चार चुनाव में भी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, चुनाव करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं और बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव का एक नया इतिहास सृजन का काम करें। साथ में मैं बंगाल की जनता को ये भी वादा करना चाहता हूं कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये चुनावी हिंसा राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए बंगाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि राजनीति हिंसा करने वाले लोगों को आप निश्चित रूप से परास्त करने वाले हैं।